और आम लोगों की जेब पर बोझ पड़ने वाला है। सरकार ने बजट में पेट्रोल और डीजल पर ₹1 सेस और ₹1 एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। नई कीमतें कल से लागू हो जाएंगी। क्रूड प्राइसेस हैव सॉफ्टेंड फ्रॉम देयर हाइज। दिस गिव्स मी रूम टू रिव्यू एक्साइज ड्यूटी एंड सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल। आई प्रपोज टू इंक्रीज special additional excise duty and road and infrastructure cess, each one by ₹1 a liter on petrol and diesel. ये देश को समृद्ध और जन जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बेहतर कल मिलेगा। इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। इस बजट से टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा। बात करते हैं भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद जी से। रवि जी, कई बातें वैसे तो बजट में कही गई है, लेकिन बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। देखिए, आप एक बात समझिए, 55 वर्ष लगेगा भारत की इकोनॉमी को आजादी के बाद 1.5 ट्रिलियन पहुंचने में। मोदी जी की अगुवाई में हमने 5 साल में $1 ट्रिलियन जोड़ दिया डॉलर। हमारा लक्ष्य क्या है? आगे और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करेंगे। एक ट्रेन का मतलब 1 लाख करोड़, समझ गए आप, और डॉलर में है तो आप समझ सकते हैं ये 350 लाख करोड़ डॉलर हुआ कितना होगा। ये संभव है। इस बजट में वो विजन है, विश्वास है, अपेक्षा है और आशा है। इस बजट की अगर बड़े टेकअवेज की बात करें तो आपको क्या बड़े बातें इस बजट में दिखाई दे रही हैं? मैं इतना ही कहूंगी, नए भारत की नई सोच आज के इस बजट में दिखी। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री का विशेष अभिनंदन। आज नारी तू नारायणी की जब उन्होंने बात कही तो वो प्रतिबिंबित हुई। आज देश की सबसे ज़्यादा चुनकर आई महिला सांसदों ने उसका विशेष अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि अगर हम भारत का भविष्य उज्ज्वल करना चाहते हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट पर हम तवज्जो दें। आज विमेन लेड डेवलपमेंट की आधारशिला वित्त मंत्री के बजट में नजर आए। अफोर्डेबल हाउसिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का परचेस हो, या राष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक ऐसी कमेटी जो जेंडर बजटिंग पर विशेष ध्यान देगी, अपने आप में बदलते भारत की तस्वीर दिखाता है। मैम, ये कहा जा रहा है कि मिडिल सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन मिडिल वर्ग और सैलरीड क्लास जो होता है सैलरी पर, मुझे लगता है कि टैक्सेशन की दृष्टि से 5 लाख तक की राहत मिडिल क्लास पहले ही पा चुकी है। तो जो अपोजिशन से इस बात की आनाकानी है वो शायद ज़्यादा इसलिए है कि जो अति अमीर है उनके ऊपर टैक्स बढ़ा है। बजट पर बात करते हैं सांसद हेमा मालिनी जी से। हेमा जी, आपने पूरा बजट भाषण सुना, किस तरह से इस बजट को देखते हैं? बजट इज़ वेरी नाइस एंड स्पेशली फॉर यूथ, फॉर एजुकेशन, महिलाओं के लिए, रूरल इंडिया के लिए। जो जो बजट उन्होंने बताया इट्स वेरी 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 गुड, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर मी, फॉर माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत जो भी है हम बात करके कर लेंगे। जो मैम नारी तू नारायणी कहा वित्त मंत्री ने, और उसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए जो कदम उठाए गए हैं, जो उठाए जाएंगे उसकी भी बात की। वो तो पूरा पूरा साबित भी होता है। हमारे पार्लियामेंट में भी इतनी ज़्यादा तादाद में महिलाएं आई हैं, तो इट इज नारी से नारायणी इज अ परफेक्ट कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर पूरा बनाया है महिलाओं के लिए, महिलाओं के उद्धार के लिए, स्पेशली फॉर द वीमेन इन रूरल इंडिया। मैम, एक अंतिम सवाल, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की गई है, क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है, ये कर पाएंगे? मोदी जी जरूर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जयपाल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। गौतम जी, बजट पर आपकी प्रतिक्रिया? काफ़ी युवा और खेलों की बात की गई है इस बजट में। सब बहुत बढ़िया बजट है। खिलाड़ी और खेलों की बहुत बात की गई है गौतम, इस खेल और कहा गया खेलो इंडिया को पर जोर दिया जाएगा। बिल्कुल, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है। पिछले जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर राज्यवर्धन राठौड़ जी, उन्होंने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, और होपफुली और ज़्यादा बड़ा होगा इससे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा जयपाल सिंह रावत के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।
तो बजट आपने देखा, सरकार ये कह रही है कि मध्यम वर्ग के लिए बहुत बेहतरीन बजट है। भाई हमें तो कुछ नहीं दिखा, मुझे तो इतना ही लगा कि इस बजट में जो वाहवाह हो रही थी वो क्योंकि सीतारामन जी हिंदी में बोल रही थी तो बहुत वाहवाह हो रही थी। ये बजट में ना तो नए भारत के निर्माण के बारे में कुछ है और ना इसमें कुछ न्याय की हमें तस्वीर दिखती है। लेकिन ना न्याय और ना नया भारत की झलक, कृषि क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं, कोई विजन नहीं, किस तरह से रोज़गार पैदा करो उस पर कोई विजन नहीं। जो सेक्टर्स की सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, टेक्सटाइल हुआ, लेदर हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, उस पर कोई विजन नहीं। एक्सपोर्ट्स के बारे में कोई विजन नहीं। तो विजन थी क्या? इट इज़ अ विजन लेस बजट। इसमें ना विजन है ना प्रोविजन है, क्योंकि प्रोविजन भी इन्होंने नहीं बताया कि कहाँ से रिसीट आई, कितनी रिसीट आई और कितना एक्सपेंडिचर हुआ। और ये कहते रहे, आपको मालूम है पिछले 5 सालों में कहते रहे कि कितनी गति से भारत आगे बढ़ रहा है, हमारा GDP कितनी गति से बढ़ रहा है। अगर गति से बढ़ रहा है तो आपको 7% सरचार्ज की ज़रूरत क्या है? आपको 2-3% सरचार्ज की ज़रूरत क्या है? आपको 150,000 डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स की ज़रूरत क्या है? अगर आपकी रेवेन्यू रिसीट्स इतनी हैं उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं।